सहारनपुर में आम आदमी पार्टी और फार्मर्स फोरम के कार्यकर्ताओं ने उत्तर प्रदेश विद्युत पारेषण कॉरपोरेशन लिमिटेड द्वारा किसानों के उत्पीड़न और लागू कानून की अनदेखी के संबंध में जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा। फार्मर्स फोरम के सचिव राजपाल सिंह जगेता ने बिजली कंपनियों पर किसानों को डरा धमका कर बिना मुआवजा दिए उनकी भूमि के ऊपर विद्युत टावर और लाइनें लगाने की मंशा का आरोप लगाया। ज्ञापन में प्रशासन की मध्यस्थता में बिजली कंपनियों की किसानों से समझौता वार्ता कराने की मांग की गई। राजपाल सिंह गांव जगेता गुजर, सचिव फार्मर्स फोरम और आम आदमी पार्टी से हूं। हम लोग यहां किसानों के साथ आए हैं उनको डीएम साहब के सामने रिप्रेजेंट करने के लिए। हमारे साथ एक बहुत बड़ा धोखा हो रहा है। यूपी टीसीएल जो आपके पावर ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन है, वो किसानों के खेत में सिर्फ और सिर्फ गुंडागर्दी के भरोसे, अपने नालायकी के भरोसे अपने सारा काम कर रहे हैं। किसान को कोई सूचना नहीं जाती, उन्हें खेत में गड्ढे खोदे जाते हैं। किसी मुआवजे की बात नहीं होती, किसी कंपनसेशन की बात नहीं होती, किसी रेंट की बात नहीं होती। कानून में किसान के सब हक हकूक महफूज हैं और हमें किसान कानून सारे हक देता है, लेकिन ये बिजली कंपनियां किसान को डराकर धमकाकर पुलिस के माध्यम से बिना कुछ दिए ही वो लेने गाड़ रही हैं। सबसे बड़ा दुर्भाग्य ये है कि इसी देश के अंदर 10 लाख रुपए से लेकर 15-15 लाख रुपए टावर और इतना ही धनराशि बिजली के लाइनों के नीचे के केरला जैसे स्टेट के अंदर दे रहे हैं, मध्य प्रदेश में भी दे रहे हैं, कर्नाटक में बातचीत चल रही है, लेकिन सारी जानकारियां होते हुए भी बिजली कंपनियां सिर्फ और सिर्फ एक बात कहती हैं कि हम मध्यम है, हम गुंडागर्दी के सरहरी लाइन बनाएंगे। डराते हैं, धमकाते हैं किसान को। तो इसी बारे में डीएम साहब से हमने टाइम लिया है कि वो बिजली कंपनियों को बुलाकर किसानों के साथ उनके समझौता वार्ता कराएं। किसान कहीं से भी कहीं विकास का विरोधी नहीं है, लेकिन वो अपना हक हकूक चाहता है। जिस किसान के खेत में बिजली का खंभा गड़ जाता है, उसकी 50 लाख रुपए बीघे की जमीन कीमत जो रोड साइड में है, वो 5 लाख रुपए भी नहीं रहती।